अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जायसुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद प्रिंटिंग सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक माइक की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। वो माइक कौन सा है और किस तरह का माइक है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ये मैंने मार्केट से कितने का परचेज़ किया है, ठीक है, और आप कितने का परचेज़ कर सकते हैं, और ये ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और हम इसकी वॉइस भी चेक करेंगे, इसकी यानी कि रिकॉर्डिंग करके इसकी आवाज़ कैसी है, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो कैसी है, और जब इसको लगा के हम देखेंगे तो ये किस तरह की इसकी आवाज़ आती है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने आ गया है बोया का माइक और हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देख सकते हैं इस कैमरे में भी और इसमें दोनों भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये कितने का आया था ये भी मैं आपको बताऊँगा और इसकी हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे कि कैसा है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं कि ये कैसा है। तो ये आ गया हमारा माइक, ये देखते हैं, ठीक है, ये आप भी देख सकते हैं। और यानी दोनों कैमरा में दिखा रहा हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। इसकी ये वाली जो निशानी है मैं आपको सही तरह बता लूँ, ये वाली जो है ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल की निशानी है। और यानी कि ये जो स्टैम्प लगी हुई है ये ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है। ये मैं नज़दीक करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ और रोशनी क्योंकि ज़्यादा है। ये देखें, ये वाली जो स्टैम्प है ना, ये वाली ये ओरिजिनल की है, ये आप भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको खोलते हैं। इसको हमने रख दिया इधर साइड पर। और ये इसकी क्या कहते हैं, एक बुक आई है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अक्सर बात कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ूंगा पढ़ूंगा बहरहाल टाइम मिला तो। ये इसका स्टिकर आया है पोया, ठीक है, ये भी हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे। और ये भी इसका आई थिंक वारंटी कार्ड है, ये वारंटी कार्ड है, ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ, ये वारंटी कार्ड है इसका। और ये इसकी बुक आ गई थी, मैनुअल बुक, और इसके अंदर है जी हमारा माइक। और बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये इसका एक छोटा सा पाउच है, पाउच समझ लें या जो भी समझना चाहे, मुझे कोई इतना पता नहीं है। और ये इसकी ये माइक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, कैमरा है, ऑफ ऑन जो भी है, यानी ये बटन लगा हुआ ऊपर, इससे आप अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला क्लिप का ऑप्शन है कि आप अपने यानी कि शर्ट वगैरह पे या कमीज़ वगैरह पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसका माइक है, और माशाल्लाह इसकी जो वायर है वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, और बड़ी है यानी कि। और इसके अंदर देखते हैं ये क्या चीज़ है, आप ही देख लें, ये वाला, ठीक है, ये माइक है। और ये पता नहीं ये क्यों रखते रहते हैं, ये मुझे खुद को भी नहीं पता, आप भी कहीं समझ ना लेना कि हमारे पास ये गोलियां आई हैं और हम इनको खा लेंगे। अच्छा जी, ये कैसे खुलेगा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास और दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, ये देखें, इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ एक अदद सेल, ठीक है, ये सेल देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ये एक सेल दिया हुआ है इसके अंदर। और ये क्लिप दिया हुआ है एक, ठीक है, इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये
ये एक क्लिप दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें आप। इसके अलावा ये एक पिन दे दी गई है, यानी कि किसी साउंड सिस्टम पे अगर आप ये माइक एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे इसको लगा के, ठीक है, फुल पुश करके फिर माइक जहाँ पे साउंड वगैरह लगा हुआ है तो साउंड वाले उस ऑप्शन में आप लगा के वहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, छोटा सा फोम टाइप है, मुझे इसका इतना नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, बट मैं भी पहली दफ़ा लिया है तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी बताऊं और आपको भी इस बारे गाइड करूं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम लगा लेते हैं, मुझसे तो लग भी नहीं रहा सही से, बहरहाल मैं इसको लगाऊंगा ज़रूर और उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे कि ये कैसा है और इसकी आवाज़ कैसी है, यह भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जो वायर है, वायर इसकी 6 मीटर लिखा हुआ है इस बॉक्स के ऊपर, अगर आपको मार्केट से ख़रीदते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ जो इसकी वायर है, यानी इसकी जो केबल है वो 6 मीटर की है और बहुत ही शानदार ये है। इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अनबॉक्सिंग कर ली है और ये देख सकते हैं हर चीज़ इसमें से मिलती है। ये किस लिए है, इसको हम जब ओपन शोपन करेंगे फिर ही पता चलेगा, जब हम ऑन करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इसका वारंटी कार्ड आपने संभाल के रखना है, इसकी वारंटी भी 1-1.5 साल की होती है और दुकानदार ने भी मुझे यही बोला है कि इसकी वारंटी है, ठीक है, अगर कल को कोई इशू आता है तो आप मेरे पास लेके आ सकते हैं और इसमें जो भी हुई कमी पेशी इंशाल्लाह आपके साथ कर लेंगे। और अभी हम इसको इसका स्टेटस चेक करते हैं कि ये कैसी, इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है, और मैं आपको बताता भी हूँ कि ये मैंने मार्केट से कितने का परचेज़ किया है और पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो माइक है बोया का वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे बोया की माइक की सुन रहे हैं, जो ये सामने आपको लगा नज़र आ रहा है। और आपको जो आवाज़ में है वो थोड़ी सी जिद्दत भी महसूस हो रही होगी, यानी कि अच्छी आ रही होगी। तो पहले जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो वॉइस होती है वो मैं अपने मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और मोबाइल के कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है उसी की ही आवाज़ आप तक पहुँचती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको जो भी आवाज़ आएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस माइक के ज़रिए से आपको आवाज़ आएगी और बिल्कुल क्लियर आएगी। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को ये इशू आता था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती और सही से सुनाई नहीं देता, तो इंशाल्लाह आपको सही से सुनाई भी दिया करेगा और आप अच्छे तरीके से मेरी वॉइस सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको ये पसंद भी आएगा, ठीक है। तो इसकी जो हमने अनबॉक्सिंग की और इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं कि हमने कितने का ये परचेज़ किया था, मार्केट से मैंने कितने का लिया है। मैंने ये ऑनलाइन मार्केट से नहीं लिया, मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने अपने ट्राईपोड की अनबॉक्सिंग की थी उसकी भी वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी हम कीमत की बात कर लेते हैं, यानी प्राइस की बात कर लेते हैं। मैंने ये मार्केट से 2500 रुपये का परचेज़ किया है, ठीक है, और ऑनलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट था जो कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ऑफलाइन मार्केट गया, एक दोस्त हैं उनकी दुकान है होलसेल की, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है और बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। आपने इसकी अनबॉक्सिंग में जो जो चीज़ें देखी हैं, जो जो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं वो आपको इसके इंस्टॉलेशन के ज़रिए आप जब आप लेंगे आपको सारी समझ आ जाएंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की नई और अच्छी वीडियो के साथ अगली मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़ायसुल नसीरवी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।